अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो ख़त्म हो गई थी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमारा डिज़ाइन सेल होता है। देखें, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो ये जैसा कि देखें, लिस्टिंग तैयार हो चुकी है, हर चीज़ पे ये प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखें, मैं सिर्फ नोटबुक्स, टी शर्ट, मोबाइल फ़ोन कवर्स, कप्स, मैं इन पर ज़्यादा डिज़ाइन रखता हूँ अपने। आपकी मर्ज़ी है, आप सारे प्रोडक्ट्स पे भी रख सकते हो। और इसमें इसकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं रेड बबल की, वो आप पढ़ लेना, सही है। इसकी पॉलिसीज़ पढ़ लेना। देखें, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना, उसकी आप पॉलिसीज़ ज़रूर पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। वो एक बड़ा सा पेज होता है पॉलिसीज़ का, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे ना इस पर, तो वो पॉलिसीज़ आप लाजमी पढ़ें, उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करें। तो पॉलिसीज़ ये होती हैं कि रेड बबल ये कहता है कि किसी भी दूसरे आर्टिस्ट का डिज़ाइन आप कॉपी करके नहीं लगा सकते, और किसी और का डिज़ाइन हम नहीं शेयर कर सकते जो ऑलरेडी उससे पोस्टेड है, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है कि अच्छा सा अच्छा अकाउंट बना हुआ होगा, और उसकी रेटिंग अगर अच्छी भी होगी तो वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब इसका मैं नाम लिख दूँगा, इन्जॉय योर कॉफ़ी, इसके टैग, इसकी डिस्क्रिप्शन। अब मैं देखें, इसके टैग्स और डिस्क्रिप्शन, आप जैसा कि एआई के दौर में रह रहे हो, सही है, एआई के दौर में हम रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। अब चैट जीपीटी इसीलिए आया है कि वो इस तरह के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो जो है वो मतलब हमें प्रोवाइड करता है। न्यू चैट, अब मैं इसको बोलूँगा भाई, राइट मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन नेम्ड। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्जॉय योर कॉफ़ी। ठीक है, राइट मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन नेम, इन्जॉय योर कॉफ़ी। राइट मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये प्रोवाइड करेगा। इन्जॉय, अब ये बहुत ज़्यादा लिख रहा है, लेकिन हम इसमें से जो सिर्फ की पॉइंट्स हमारे काम की चीज़ होगी वो हम उठाएंगे बस। अब इसको पढ़ेंगे भी आपके, ये क्या लिखा है इसने, ऐसे नहीं होता कभी भी आपने डायरेक्ट बस कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, हमेशा पढ़ा करें उसको कि आपने क्या जनरेट किया है। तो जितना आप रीड करेंगे उसको, उतनी आप अच्छी जो प्रॉम्प्ट होती है, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो उतने अच्छे होंगे। तो इसमें मैं इसको लिखता हूँ कि राइट इट शॉर्ट, ये इसने कर दिया। मैं ये पढ़ रहा हूँ, इन्जॉय योर कॉफी कॉजी इन्वेंट डिज़ाइन कॉम्पिटर कंपाइन मोट एंड एस्थेटिक्स विद अ वार्म एम्बियंस विद अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड कॉफी बियर कंफर्टेबल सीटिंग एंड स्क्रीन। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, अब हम इसको दूसरी वेबसाइट है क्वेल बॉट, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया पेस्ट, अब इसको ये क्या करेगा, पैराफ्रेज देखें। अरे रेंज किया, मैंने को कनेक्ट तो किया ही नहीं है माइक। खैर चलो, ये जो है, इन्जॉय योर कॉफी इज अ वार्म एंड डिजाइन दैट फ्यूजेस कंट्री एस्थेटिक्स विद ओमली इट विद डिजाइन इट सेव योर ड्रिंक विद कॉफी बार। सही है, इसको हम कॉपी करेंगे, तो इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ। ओके हो गया, अब यहाँ पे हम इसको कहेंगे
provide me the list of hashtags related to this design. अब ये देखें hashtags मुझे provide कर दिए इसने, ये हम copy paste करेंगे क्योंकि ये जितने ज़्यादा होंगे उतने chances आपके sale होने के ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टाइटल भी लिख दिया, मैंने टैग्स भी डाल दिए, मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, मैंने इमेज भी डाल दी है और प्रोडक्ट्स भी सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है, अब जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए मैं सिर्फ उनको जो है रखूँगा, बाकियों को अनेबल करूँगा, डिसेबल कर दूँगा। ये सही है, ये नहीं चाहिए, ये सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए करके सही है। तो कभी कभी रेड बबल जो है अपने हिसाब से सही एडजस्ट करता है, कभी कभी नहीं करता वो ना, फिर खुद करना पड़ता है हमें एडजस्ट थोड़ा बहुत, देख रहे हैं। अब ये जो बॉटल थी इस पर डिज़ाइन सही आ रहा है, विजिबल सही होगा तो नज़र आएगा ना उस पर, ये देख रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है, मैं इसको यहाँ से अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन हो गया सही, सही है। इसी तरह आप सब डिज़ाइंस को सही करते हैं ताकि वो सही नज़र आए बस, बाकी ये प्रिंट खुद करते हैं, डिलीवर खुद करते हैं, आपको सिर्फ अपना डिज़ाइन देना होता है इनको, और ये उस डिज़ाइन की जो प्रिंटिंग रॉयल्टी फीस होती है आपके डिज़ाइन की वो आपको पे करते हैं, दैट्स इट। तो काफ़ी अच्छी फीस देते हैं ये रॉयल्टी फीस, तो ये काम अच्छा है, अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है ये वर्क करते रहें डेली बेसिस पे, डेली एक दो डिज़ाइन अपलोड करें, जितने ज़्यादा डिज़ाइन अपलोड करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल होने के, आपके आर्ट वर्क के सेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे ये देखें, ये सारे डिज़ाइन सही लग रहे हैं, ये इसको ज़रा मैं सेट करूँगा, ये सही नहीं है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, और ये देखें यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है, देख रहे हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा है, ये एडजस्ट हो रहा है थोड़ा सा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन ओके है, ये सारे सही हैं, ये सही नहीं है, ये छुप रहा है, ये देख रहे हैं इसकी रेंज ये थी, अब ये तो अब नहीं छुपेगा, अब देखिए सही आ रहा है। और इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर सकते हैं आप, येलो रखें या कोई भी, मैं येलो कर देता हूँ ताकि अट्रैक्टिव लगे ना, ये अच्छा लग रहा है, नाइस। तो इसी तरह आप सारे प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करेंगे, सही हो गया, सेट करते जाएंगे सब, इसमें ही देखिए यही मेहनत है, इसी मेहनत के आप पैसे कमा रहे हो, सही है, ये वो काम नहीं है कि आपने डिज़ाइन अपलोड किया और पैसे मिल जाएंगे, देखिए ऐसे कभी भी नहीं होगा, मेहनत हर काम में होती है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मेहनत ना हो, ठीक है, शॉर्टकट कभी भी नहीं मारना, उसमें हमेशा फंस जाओगे आप। इसको हम डिसेबल करते हैं। अब इसी तरह मैं कप को भी जो है, कप का जो साइड व्यू है वो सही से नजर आए, सही है, ये देखे कप मुझे इस तरह चाहिए ना, तो उस पर डिज़ाइन सही नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो जो है आई थिंक हमने तकरीबन सब प्रोडक्ट्स कर दिए, ये अब वॉशरूम के लिए इंजॉय कॉफ़ी का डिज़ाइन तुक नहीं बनता तो इसको हम डिजेबल करेंगे, ये लैपटॉप के लिए है तो इसको सही है कर देते हैं एडजस्ट। और हमेशा आप देखेंगे अपनी कैटेगरी के मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो वाकई जिस प्रोडक्ट के लिए मैं लगा रहा हूँ तो वो वाकई परचेस करेगा बंदा, जो भी होगा कोई भी जो उसे ऑर्डर करेगा तो वो क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है किसी ऑफिस की स्टेशनरी से या आर्टिस्टिक किसी स्टेशनरी।